आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, ओईसीडी का लॉन्ग फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट 1981। बायोटेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द ह्यूमन वेलफेयर। इसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में बताती। जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स? टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल की प्रोसेसिंग करने के लिए। और ये जो प्रोसेसिंग है मटेरियल की, ये प्रोसेसिंग होती है बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा। बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स और देयर प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ ऑकर्ड इन टू फेजेस। नंबर वन, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी दैट इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। नंबर टू, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट इज न्यू बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मतलब पारंपरिक जो है, हमारे घरों में कुछ चीजें बनती है फर्मेंटेशन से, इडली है, ढोकला है, डोसा है, घी है, कर्ड है, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, घी, सोम, विनेगर, योगर्ट, चीज एंड वाइन मेकिंग। तो ये सब चीजें अपने को पता है, कर्ड, घी, विनेगर, योगर्ट, चीज, वाइन। लेकिन ये सोम क्या है? जो सोम है ये है, सोम वॉज अ फर्मेंटेड जूस ड्रिंक जो देव देवता पीते थे, सोम रस। सोम नाम का एक हर्ब है और इस हर्ब की जो लीव्स है उसको फर्मेंटेशन करके जो बनाते हैं जूस, उसे बोलते हैं सोम रस। तो ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। तो ये जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, इट बिकेम एन आर्ट ऑफ किचन इन इंडियन हाउसेस। नंबर टू, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। नंबर वन है बायोलॉजी एंड नंबर टू है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और ये जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये एकदम न्यू कंसेप्ट है और इस चैप्टर में आगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके कॉम्बिनेशन से ये नया कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ड्यूरिंग 1970 अ न्यू टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप एंड देन एस्टेब्लिश बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1970 को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुआ, डेवलप हुई ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और फिर जो दो साइंटिस्ट है, एक स्टैनली कोहेन और दूसरे है हर्बर्ट बोयर, इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया 1973 को। मेजर फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डिफरेंशिएट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी आर एज फॉलोज। नंबर वन, कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, माइक्रो एरेज, सेल कल्चर एंड फ्यूजन एंड बायोप्रोसेसिंग। मतलब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें
कोई भी स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल चेंज करके, उसमें मॉडिफिकेशन करके न्यू जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है और उससे न्यू प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, माइक्रो एरेज, सेल कल्चर एंड फ्यूजन एंड बायोप्रोसेसिंग, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर टू है ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट।